Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see question number 9, and in the last video we completed till question number 8, A and B with the match the following part. Okay, so this was the last question we did, and now we are going to start with question number 9. So the question number 9 is write the missing numbers in the box to show equal parts. ठीक है, यहाँ पे हमें एक box दिया हुआ है. ठीक है, अब सबसे पहले तो एक whole box दिया हुआ है, then उसी ही box को कुछ parts में divide कर दिया गया है. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि वो part का fraction क्या है. ठीक है, वो पार्ट हमें बताना है. ठीक है, फ्रैक्शन लिख के बताना है. तो देखो, सबसे पहले हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है. ठीक है, अब ये बॉक्स क्या हो जाता है, वन होल बॉक्स. ठीक है, इसलिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है. अब उसी सेम बॉक्स को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो जाता है 1/2, और ये वाला भी पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2. सो 2 1/2 मेक्स 1 होल. ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2. अब उसी सेम बॉक्स को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4. तो हर एक पार्ट क्या हो जाता है, 1/4 1/4. ये भी क्या हो जाएगा, 1/4, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/4. ठीक है, अब 4 क्यों लिया है, क्योंकि पूरे बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, जितने पार्ट्स होते हैं उतने टोटल पार्ट्स लेते हैं. ठीक है, तो अब ये वन पार्ट है तो 1/4, ये भी एक पार्ट है 1/4, ये भी एक पार्ट है 1/4, ये भी एक पार्ट है 1/4. ठीक है, इसी तरीके से हमें और भी दिए हुए हैं, वो भी हम करते हैं. नेक्स्ट देखो, अब देखो ये एक होल रेक्टेंगुलर शेप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/5. जैसे ये 1/5 है, उसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, 1/5. ये भी क्या हो जाएगा, 1/5. ये भी 1/5, एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/5. ठीक है, इसी तरीके से हर एक पार्ट क्या है, 1/5 पार्ट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब देखो एक बॉक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी बॉक्सेस को भी क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, अब देखो ये एक बॉक्स था, उसी तरीके से ये भी एक बॉक्स है. अब ये एक बॉक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, उसी तरीके से इस बॉक्स को भी हम दो में डिवाइड करेंगे, इसको भी दो में डिवाइड करेंगे, इसे भी दो में डिवाइड करेंगे, और इसे भी दो में डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अपनी अपनी स्केल ले लेनी है और हम बॉक्स को डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड कर देते हैं हर एक बॉक्स को, इस बॉक्स को भी डिवाइड कर देंगे इस तरीके से. ठीक है, अब देखो अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन इज़ 10. ठीक है, इसी तरीके से कितने पार्ट हो गए, 10 पार्ट्स हो गए, और हर एक पार्ट क्या है, 1/10 पार्ट है. ठीक है, तो लिख देंगे 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 एंड 1/10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी. अब देखो यहाँ पे भी एक पूरे रेक्टेंगल को, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4. ठीक है, सो सी यहाँ पे मिस्टेक है. सी कैसे मिस्टेक है, अब देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4. तो यहाँ पे एक पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4. तो हम यहाँ कर देंगे 1/4. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 1/4, ये वाला पार्ट 1/4, एंड ये वाला पार्ट भी 1/4. ठीक है, अब ये बॉक्स को कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, इसी तरीके से हम सारे बॉक्सेस को 2 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, ये इसको भी डिवाइड कर दिया, इसे भी डिवाइड कर दिया, इसे भी डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब सी टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हर एक पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/8. ठीक है, तो ये पार्ट भी 1/8, दिस इज़ ऑल्सो 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8. ठीक है, नाउ डी.
अब देखो ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, जिसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया है, तो ये क्या हो गया, वन होल पार्ट, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वन बाई टू, वन बाय टू, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, वन बाय फोर, वन बाय फोर, वन बाय फोर एंड वन बाय फोर। अब ये फोर पार्ट्स को एट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन हो जाएगा, वन बाय एट, 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 वन बाय एट एंड वन बाय एट एंड वन बाय एट, ठीक है। तो ये हो गए सारे फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन। सी क्या इंस्ट्रक्शन, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और पिक्चर्स दिए गए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे एंड पिक्चर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द पिक्चर शोज़ 1/5 पेटल ऑफ अ फ्लावर, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग अदर पेटल्स, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि यहाँ पे एक फ्लावर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका 1/5 पेटल दिया हुआ है, यानी कि 1 पेटल दिया हुआ है आउट ऑफ 5 पेटल्स, ठीक है। नीचे जो भी नंबर डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है वो क्या होता है, टोटल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी टोटल कितने पेटल्स होंगे, 5 पेटल्स होंगे। और न्यूमरेटर में दिया है हमें नंबर 1, यानी कि हमें एक पेटल ड्रॉ करके दिया है, तो बाकी का हमें पिक्चर कंप्लीट करना है, तो बताओ हम टोटल कितने पेटल्स ड्रॉ करेंगे, टोटल 5 पेटल्स ड्रॉ करेंगे, जिसमें से 1 ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो बाकी के 4 हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी के 4 इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, 3, 4 एंड 5, ठीक है, हो गया कंप्लीट पिक्चर, 5 पेटल्स हो गए टोटल। नाउ पिक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, द पिक्चर शोज 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स, ठीक है। क्या बोला है कि 1/3 एक फैन ये है, एक्चुअली ये पिक्चर एक फैन का है, ठीक है, तो फैन का 1/3 ब्लेड दिया हुआ है, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर में नंबर है वो क्या होता है, टोटल पार्ट्स, यानी टोटल ब्लेड्स कितने हैं, कितने होते हैं फैंस के, 3 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, 4 ब्लेड्स वाला फ़ैन भी होता है, 3 ब्लेड्स वाला फ़ैन भी होता है, लेकिन यहाँ पे कितने ब्लेड्स वाला फ़ैन है, 3 ब्लेड्स वाला फ़ैन है, जिसमें से 1 ब्लेड हमको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है, 1 ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया हुआ है, हमें पिक्चर को कंप्लीट करना है बाय ड्राइंग अदर ब्लेड्स, ठीक है। तो हम कितने और ब्लेड्स ड्रॉ करेंगे, 2 और ब्लेड्स ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारे 3 ब्लेड्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका मिडिल पार्ट भी ड्रॉ कर लेंगे और अदर 2 ब्लेड्स भी ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया सेकेंड ब्लेड और ये हो गया थर्ड ब्लेड, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट पिक्चर, ठीक है। 1/3 दिया था और बाकी का हमने 2/3 ड्रॉ कर लिया, ठीक है, यहाँ डॉट्स भी कर देंगे ताकि हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाए और ब्यूटीफुल सा लगे, ठीक है, ये हो गया हमारा फैन कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, द पिक्चर शोज़ 1/2 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, 1/2 मीन्स हाफ पार्ट ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है बाय ड्राइंग द अदर ब्लेड्स, ठीक है। क्या बोला है कि ये जो फैन का पिक्चर है वो हमें क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, ठीक है, हाफ पार्ट्स ऑफ द ब्लेड्स दिए हैं, ठीक है। अब हाफ मतलब होता है आधा, आधे में हमें 2 ब्लेड्स दिए हुए हैं, इट मीन्स पूरे टोटल कितने ब्लेड्स होंगे, टोटल होंगे 4 ब्लेड्स, ठीक है, मैंने बताया था ना 3 ब्लेड्स वाला फ़ैन भी होता है और 4 ब्लेड्स वाला फ़ैन भी होता है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला फ़ैन है, ये 4 ब्लेड्स वाला फ़ैन है, जिसमें 2 ब्लेड्स हमें दिए हुए हैं और बाकी के 2 हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है, हाफ पार्ट दिया है, हाफ हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, तो बाकी के 2 ब्लेड्स भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया थर्ड ब्लेड, डॉट्स लगा देंगे और यहाँ पे फोर्थ ब्लेड, ठीक है, इस तरीके से आप फोर्थ ब्लेड बना देना ताकि आपको आइडिया आ जाए, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा अजीब सा लग रहा है बट समझ जाना, ठीक है, ये हो गया फोर्थ ब्लेड, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पिक्चर कंप्लीट हो जाता है। नाउ नंबर 4, द पिक्चर शोज़
3/4 part of the wheel of a car. Complete the picture drawing remaining wheels. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे है ना, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बट अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है, 3/4 पार्ट ऑफ द व्हील्स दिए हुए हैं, यानी टोटल व्हील्स कितने होते हैं, टोटल व्हील्स 4 होते हैं, जिसमें से हमें 3 व्हील्स दिए हुए हैं. देखो ये है व्हील नंबर 1, ये है व्हील नंबर 2 और ये है व्हील नंबर 3. अब बोला है कि पिक्चर को कंप्लीट करो बाय ड्राइंग रिमेनिंग व्हील्स. ठीक है, तो टोटल कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं. ठीक है, डिनोमिनेटर में भी 4 दिया है और यहाँ पे एक व्हील मिसिंग है, तो ये मिसिंग व्हील को हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो इसी तरीके का पिक्चर आएगा. ठीक है, ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से और फिर सेंटर पार्ट ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं वेरी क्लोज और लास्ट में एक सेंटर में एक डॉट. ठीक है, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट. अब पिक्चर कंप्लीट हो गया, 4 के 4 व्हील्स हमने ड्रॉ कर दिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं. द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल्स ऑन अ ब्रांच. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर एप्पल्स. ठीक है, क्या बोला है, 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, यानी कि एक ब्रांच है उसके ऊपर कितने एप्पल्स दिए हुए हैं, 3/5 एप्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, यानी 3 एप्पल्स दिए हुए हैं और टोटल एप्पल्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5, यानी टोटल एप्पल्स कितने होंगे, 5. तो बाकी के जो 2 एप्पल्स हैं वो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एक और एप्पल ड्रॉ कर दूंगी मैं और यहाँ पे एक और एप्पल ड्रॉ कर दूंगी मैं. ठीक है, अब ये पिक्चर कंप्लीट हो गया. ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.